तो नहीं बदले? क्यों? आपका शरीर बदल गया। क्यों? इसमें अल्टरेशन करते हैं? क्यों? बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। इसमें अल्टरेशन है, इसीलिए कहा तुलसीदास बाबा ने, हनुमान तुलसीदास बाबा ने लिखा, मैंने हनुमान चालीसा किसी के लिए नहीं बनाई कि आप $100 का पटला कर प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाओ और बांट दो, भंडारा कर दो। नहीं, तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के रोज पढ़ दिया। उसमें लिखा, उसी ने पहले पहले स्टार्टिंग में कह दिया, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं शीशे को, और मन को सुधारने के लिए कहा है निज मन मुकुर सुधार। मन को, तन को नहीं, तन को तो इतना खिलाते हैं, क्या क्या सैनवेज, क्या खिलाते हैं सैनवेज, पिज्जा पास्ता ये वो पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। इसको सुधारने के लिए तन सुधरता नहीं, फिर भी गोली लेनी पड़ती है। क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है, सुधारने के लिए गोली लेनी पड़ती है। क्यों मेहता साहब, ये ना गोली लेनी पड़ती है ना, ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड शुगर की गोली, पता नहीं क्या क्या गोली लेते हैं, गोली अंदर दम के अंदर। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। अरे बोलो, खड़ा बैठे बैठे बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। जो ना बोले हरि बोल उसका हरि बोल। बोलो जोर से, बोलो हरि बोल, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो हरि बोल। नहीं तो डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, हरि बोल। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, सीधा खड़ा करो, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल का अर्थ क्या है? खाली हरी बोल नहीं ना, जैसे बोलते हैं हरियप, हरियप बोलते ना, बस ऐसे ही आपके मुखारविंद से निकले और आपका क्या चित्र आ जाए, फिजिकल बॉडी का, मेंटल बॉडी का, इंटरनल बॉडी का, आपको शांति आनंद हो जाए, आपको आनंद हो जाए। मैं नहीं कह रहा महाराज, गुरुवाणी कहती है, चलो मैं भागवत और गीता की बात नहीं कहता हूं महाराज। आप लोग कभी गुरुद्वारे में गए होंगे ना, तो अरदास होती है, क्या होती है, आनंद भया मेरी माई, उसको पता नहीं होता जो बोल रहा होता है, कुछ उससे पूछ के देखना, नहीं पता होता, आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया, सतगुरु ते पाया, सहज से थी मनवरिया। अच्छा ये इतना भी नहीं, उसके बाद आनंद सुनो, बड़े भाग्यो सकल मनोरथ पूरे, बाहर ब्रह्म पर पाया, भंडारा खाने जाते हैं, तो क्या नहीं को पता, ना उनको पता, खाली भंडारा खाए, चलो होगा भंडारा पड़ा, अच्छा होगा गुरुद्वारे में, वाह वाह क्या बात। उसका अर्थ क्या है? हमारे वेद के मंत्र का है, आनंदम बन्नो विद्वान न वेद कुतश्चन एतस्यैव अन्यानि उपजीवन्ति। आप आनंद के लिए भाग रहे हो और आनंद कहां है पता नहीं। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक कह रहे, आनंद सुनो बड़े भाग्यो, भाग्य वो नहीं है कि आपके पास $20 बिलियन का बंगला है, नहीं, भाग्य वो है जब आप वो आनंद रूप मेरा ठाकुर जो है एतस्यैव अन्यानि उपजीवन्ति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ब्राह्मणो विद्वान का अर्थ क्या? ब्राह्मण नहीं, आपके अंदर जो आत्मा रामस्य बोलियो निरंथाय क्रमे कुर्वन्ति हितु किं भक्ति इत्तम, आपके अंदर जो आत्मा राम है उसका अनुभूत होना। हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, जो ना बोले हरि बोल उसका हरि बोल, बोलो हरि बोल, कुर्सी वाले बोलो हरि बोल, उधर माताएं बैठी बोले हरि बोल। उस वेद का मंत्र है, वो अरदास में कहा गया, आनंद सुनो बड़े भागियों का, तो बड़े भागी कौन है? बढ़िया बंगले वाला नहीं, पीएचडी नहीं, डॉक्टर नहीं ना? आपकी डेफिनेशन में हो सकता है, आपका डेफिनेशन हो सकता है कोई डॉक्टर है बड़ा भाग्यवान भाग्यशाली है, या प्रोफेसर है भाग्यशाली ना। अन्न सुनो बड़े सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म, वहां पर ये शब्द को कहा पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म दीस है, ब्रह्म सुनिए, ब्रह्म बखानिए, वेदांत का श्लोक है ये, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। एक आनंद, देखो थोड़ा बुरा नहीं मानना आप लोग मेरी, मैं थोड़ा सा थोड़ी हंसी मजाक की बात कह जाता हूं, बुरा नहीं मानना।
पैसे से मजा आ सकता, बढ़िया पार्टी कर सकते हो, $500 की थाली अपने दोस्तों को खिला सकते हो, क्या कॉकटेल कॉकटेल आप करते हो, शादी में करते हो कॉकटेल वॉकटेल, क्या करते हो, करते हो ना, कौन सी पार्टी, कई तरह की पार्टी होती है, मेहंदी पार्टी पता नहीं, कॉकटेल पार्टी पता नहीं क्या, उसमें $500 की आप, भगवान ने आपको दिया है तो $500 की क्या थाली खिला सकते हो सकता है, मजा आएगा उसको, जो खाने वाला बड़ा मजा आया खाने में, और सुबह डॉक्टर के पास पहुंच गए क्योंकि $500 की थाली खा के आए थे और डाइजेस्ट हुआ नहीं, कपूर में बैठे नहीं, हरी बोल, मजा तो आ सकता है पैसे से, मजा पैसे से आ सकता है पर आनंद नहीं आएगा। आनंद के लिए यहां पर कह रहे हैं वेद मंत्र, कह रहा है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न भेदि कुतश्च जना, इसमें कोई संशय नहीं है। और गुरु नानक देव जी महाराज उसी बात को वेद के मंत्र को कह रहे हैं, आनंद सुनो बड़ भागियो सकल मनोरथ पूर्ण, इतना शब्द तो सबको याद है पर उसका जो मूल तत्व अर्थ है पार ब्रह्म प्रभु पाया, पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मानंदम परम सुख, एक होता है शरीर का आनंद, एक धन का आनंद, एक भोगों का आनंद, एक काल्पनिक आर्टिफिशियल है, क्या क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, दिस इज आर्टिफिशियल, और एक आपका आनंद है ब्रह्मानंद, जो आपके अंदर का आनंद है। मैं जिसे कह रहा था आपसे, आप और आपके अपने दो हैं, यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आपका शरीर भी अलग है आपसे, आपका शरीर आपसे अलग है, आपका शरीर अलग है कि नहीं है ना, मेरी आंख में दर्द है, मेरी मैं से अलग है, क्या बात समझना, मैं से मेरी आंख अलग है, मैं से मेरा सिर दर्द है, क्यों जी, मेरी कान, मेरा कान, मेरा हाथ दर्द है, मेरे हार्ट में दर्द है, मेरे हार्ट में दर्द है, आपसे अलग है ना, क्यों जी, है तो शरीर के अंदर पर मैं से अलग है, क्या है वो, मैं कौन है, वो ब्रह्मानंद आत्मानंद, आत्मा रामस्य बने हो, आत्मा राम का वो नहीं, धनुष बाण वाला नहीं, राम का धनुष बाण वाला नहीं, आत्मा रामस्य बने हो, जिसे कह रहे गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे पार ब्रह्म प्रभु पाया, पार ब्रह्म प्रभु पाया सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म का अर्थ ही है आपके अंदर जो आत्मा राम है, आत्मा रामस्य मनयो क्रमे कुर्वन्ति हेतु, और यही भक्ति है आत्मचिंतन करना, ब्रह्म चिंतन करना, ब्रह्म दिश है, कबीरदास जी महाराज लिखते हैं ब्रह्म दिश है, ब्रह्म सुनिए ब्रह्म ब्रह्म बखानी, आत्मा राम शरीर के अंदर होए ना तो आप हैं और आपसे और कुछ अलग नहीं है, और आत्मा राम नहीं है तो आप ही इज डेड और शी इज डेड, क्या क्या ही इज डेड और शी इज डेड, क्यों जी गलत है क्या ये बात, गलत है, आत्मा राम नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, डेड इज डेड, मम्मी इज डेड, क्या बोलेंगे, मम्मी इज डेड, हरी बोल, बोलो हरी बोल, मम्मी डेड और डैडी डेड, क्या बोले, क्योंकि आत्माराम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अंदर नहीं है, ब्रह्मानंदम ब्रह्म है तो आनंद है, एंजॉय, क्या इंग्लिश में कहते हैं आप लोग एंजॉय, क्योंकि आप इंग्लिश में रहते हैं ना, एंजॉय, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुखदम मात, जो आप घर का सुख ले रहे हैं, पति का, पत्नी का, बेटे का, परम सुखदम नहीं है, परम सुखदम का अर्थ ही है, आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते ना तो उसमें एक अंतिम दोहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सुमंगल, मंगल नहीं कहा, मंगल तो आप लोग शादी करते ना, क्या कहते हैं, यहां भी होती शादी रहती तो पहले मंगल कलश रखते हैं, क्या कहते हैं, घड़ा, घड़ा रखते हैं, स्थापना करते घड़े की, वो मंगल है,
अरे मंत्र में पहला पहला मंत्र पढ़ा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण तुजा मंगलम बुढ़ी का मंगलाय तनो हरि मंगल भवन मंगल हारी सब कुछ बड़े अच्छे मंगल भवन। मंगल भवन का अर्थ तात्पर्य क्या है कि ठाकुर जी आत्माराम से विराजमान है शरीर के अंदर तब तक मंगल है और आत्माराम निकल गया तो बोलो हरि बोल। आपका आत्माराम है ना कुर्सी में बैठे सबका है ना आत्माराम देखो चल रहा है अंदर प्राण चल रहे हैं ना बोलो हरि बोल सबके चल रहे हैं देखो देखो आप बंद करके देखो बोलो हरि बोलो हरि बोल। कुर्सी वालों का देखो चल रहे हैं चल रहे हैं कुर्सी वालों के नीचे वालों के इधर वालों के सबके चल रहे पक्का डरो मत डरते क्यों आत्मा नाम चल रहा संचार कर रहा है आत्मा रामस्य मने हो निर्ग्रंथ क्रमे वही ब्रह्मानंद उसे कहा आनंद भया मेरी माए सदगुरु सदगुरु का लाल कपड़े वाला नहीं ना पीले कपड़े वाला नहीं सदगुरु का तो सदगुरु मिल गई सद का युक्ति मिल गई सद सदमत्कुण त्रिकाला बाधित्यत्म सत्यत्म वेद का मंत्र है और गुरबाणी कहती आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होती भी सच सोचे सोच न हो गई जो सोचे लखवा वेद का मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और आप लोग भागवत सुनते रहते हैं यहां पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आपके जन्म से पहले सत्य था आप कहीं तो थे एक हमारे भक्तमाल वृंदावन का भागवत है वृंदावन में भक्त संतों का एक भागवत भक्तमाल के नाम से जैसे भागवत सुनते हैं ऐसे भक्तमाल है तो उसमें एक हमारे माधवदास जी की जीवनी की कथा आती है। माधवदास जी ने अपनी मां से पूछा माता जी आपके विवाह से पहले थोड़ी बड़ी उम्र के नहीं बड़े भगत जन्मजात कन्हैया के चरणारविंदों में प्रीति थी तो उन्होंने पूछा माता जी बता माता मैं ऐसे हाथ पकड़ के बोलते उनको बोलते हाथ पकड़ के बोलते माता जी आप एक बात बताना मेरे को आपके विवाह से पहले मैं कहां था। बड़ा टिपिकल शब्द प्रश्न है क्वेश्चन है एक बार नहीं तीन बार पूछा चार बार मां क्या जवाब दे मां को चार बार पूछा और मां भी भक्त थी कन्हैया के चरणार लड्डू गोपाल जी की रोज रोज वो स्नान करावे पंचामृत से स्नान करावे घी से स्नान करावे माता जी पर इस प्रश्न का उत्तर माता जी से बोल हाथ आंखों से आंसू आंखों में आंसू है माधवदास जी के और पूछते हैं एक बार पूछा दो बार पूछा तीन बार पूछा चार बार पूछा मां आपके विवाह से पूर्व ये शरीर कहां था ये माधव ये तुमने जिसका नाम माधव रखा ना ये जो फिजिकल बॉडी क्या क्या बोलते हैं क्या बोल रही फिजिकल बॉडी और एक मेंटल बॉडी और एक इंटरनल बॉडी ये कहां थी। माता जी चुप हो गई बोलते बेटा कहीं होगा तू बोलते मां यही तो पूछ रहे हैं मैं कन्हैया से यही पूछता हूं माला फेरता हूं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में वृद्ध की गुजारा करेंगे कभी वो मिलेंगे बाके बिहारी उनके चरणों ये मैं रोज बोलता हूँ रोज बोलता हूँ। माधवदास जी बोलते मैं रोज तूने कहा ना श्री कृष्णा शर्मा बोल ये भी बोलता हूँ रोज पर साथ में पूछता हूँ कन्हैया माँ के गर्भ से पहले माँ के विवाह से पहले मैं कहा था कहीं तो था भाई कहीं तो था ना माता के रज में आया माता के पिता के वीर्य में आया और मैं मेरा ये शरीर 3.5 हाथ का बन गया। क्या माँ के गर्भ से निकलता बच्चा कितने 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 पाउंड का होता है 2.5 पाउंड का 3 पाउंड का पर वीर्य में तो कितना आधा तोले का जीवात्मा तो है उसके अंदर ये जीवात्मा है तो बालक बढ़ता है और जीवात्मा नहीं है तो बोलो हरि बोल बढ़ेगा माँ के गर्भ में बढ़ेगा डॉक्टर साहब नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना वीर्य में जीवात्मा हो तो बढ़ेगा
और जीवात्मा नहीं हो तो बोलो हरि बोल, बोलो कुर्सी वाले बोलो हरि बोल, कुर्सी वाले बोलते हमारा कोई काम नहीं, कृष्णा कुर्सी का वश, बोलो हरि बोल। भाई वीर्य में आत्मा है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और अर्थ की तार में करंट है तो प्रकाश होगा, होगा क्या होगा, होगा ही होगा। ऐसे वीर्य में और रज में, माता के रज में और पिता और माता ने मजा लिया और ये बालक के ये दो तोले का बनकर के बाहर आ गए, क्या दो तोले में दो तोले का बनकर आया और दो तोले का बन एक एक वहां पर हमारे वेद के एक उपाख्यान में लिखा गया है कि 10 दिन में ये जो जीवात्मा है वो बेर के जैसा हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्भोपनिषद में है, मैं नहीं कह रहा गर्भोपनिषद में है, वेद के 108 जो उपनिषद है उनमें लिखा यदि योन्या प्रमुच्ये हम ध्याये ब्रह्म चिंतनम, यदि योन्या माँ के गर्भ में जब वो जो बोलते गटर का उसको बोलते हैं वेदांत में गटर का कुआं, पता नहीं ये शरीर, पता नहीं पहले मच्छर मच्छरनी के गर्भ में होगा, पता नहीं सुवर्णी के गर्भ में होगा, बड़ी कुतरिया के घर में होगा, पता नहीं किसके गर्भ में होगा। जीवात्मा तो सब एक जैसा है भाई, देखो दिल्ली या अमेरिका की जो करंट है और इंडिया का करंट है उसमें प्रकाश में कोई भेद है क्या, लाइट में भेद है क्या, क्यों नहीं पक्का श्योर, जो जी कुर्सी वाले बताओ, सिडनी का प्रकाश और जापान का प्रकाश, ये लाइट का एलईडी का और चाइना का प्रकाश और अमेरिका का प्रकाश भेद है इसमें, आत्मा आप इतने बैठे हो सबके अंदर, वो लोग खड़े हैं उनका आत्मा अलग है, तुम्हारा आत्मा अलग है, है अलग, देखो बताओ, देखो जरा देखो, देखो 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 देखो, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। और कुर्सी वाले जो माताएं बैठी हैं आत्मा अलग है प्रकाश अलग है क्या, और ये जो पीछे वाले बैठे ये सब कुर्सी वाले बैठे, इनका ये जो ये बैठे नीचे वाले बैठे क्यों, ये आत्मा अलग है क्या, आपके अंदर जो प्राण है वो अलग है क्या, श्वास अलग है क्या, पल्सेट अलग है क्या, भाई पल्सेट तो सबकी डॉक्टर साहब एक जैसी होती है ना, तभी स्वस्थ होगा ना, अभी मंत्र पढ़ेंगे ना अभी हमारे महाराज जी स्वस्तिना इंडो, स्वस्तिना का अर्थ का वेद मंत्र में उसमें स्वस्ति का अर्थ होता है स्व, स्व मतलब श्वास के रूप में, मेरा ठाकुर अस्थि अस्थि है, क्या है स्व, स्व मतलब श्वास कि अस्थि है, परमात्मा है, ब्रह्म के रूप में है, आत्माराम के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, आनंद के रूप में है, सुख के रूप में है, शांति के रूप में है, प्रसन्नता के रूप में है, आनंद के रूप में है ना, आपके पास आनंद है ना, प्रसन्नता है, प्रसन्नता कर क्या समझ लिया, स्माइलिंग नहीं, स्माइलिंग फेस नहीं ना, प्र मतलब प्रभु आसन होना, प्रभु का आपके आपके अंदर आसन है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अनुतिष्ठति, जैसे सब इतने बल्ब लगे, हजारों बल्ब लगे हुए इस हॉल में, ये बल्ब है, ये बल्ब, ये पीला प्रकाश दे रहा है, वो सफेद प्रकाश दे रहा है, वो पीला प्रकाश दे रहा है, हमारे वो ठाकुर जी के पास वो पीला प्रकाश दे रहा है, सबका करंट एक है ना जी, और आत्मा अलग है क्या, आपके अंदर किसका आत्मा अलग है जी, क्यों माता जी आपका आत्मा अलग है, बोलो हरि बोल, श्वास अलग चल रहे हैं क्यों बताओ, इसीलिए कहते वेद का मंत्र स्वस्तिना इंडो, सबका सबका कल्याण हो, कहते हैं ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, विश्व में आप भी तो आओगे, अमेरिका वाले अलग है क्या, इंडिया वाले अलग है, हाँ ये हो सकता है डॉलर आप डॉलर वाले हैं, वो इंडिया वाले रुपए वाले हैं, हो सकता है फर्क पड़े, इतना फर्क हो सकता है, पर विश्व का कल्याण हो, वेद मंत्र कह रहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना करते स्वस्ति ना इंद्रो बिंदेश्वरा, वेद हमारे हमारे ठाकुर जी हमारे आचार्य जी कहते स्वस्ति ना इंद्रो, स्वस्ति का अर्थ कल्याण होना, जो ठाकुर जी के चरणारविंदों में है उसका कल्याण, कल्याण का विटामिन चाहिए ना, विटामिन क्यों विटामिन चाहिए ना, कुर्सी वालों को चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए श्योर, उसको डर रहे हैं महाराज को क्या बोले, महाराज मांग लेंगे कहीं, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, जो ना बोले हरि बोल उसका हरि बोलो जाए, भाई सबको चाहिए ना विटामिन,
विटामिन हम सबको चाहिए, इसीलिए स्वस्थी का अर्थ होता कल्याण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों का अर्थ क्या, 84 लाख योनि में जितने जीव जीवांतर हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, उनका भी कल्याण। कल्याण का मतलब आनंद, कल्याण का मतलब आनंद, सुख, प्रसन्नता, शांति। इसका डेफिनेशन है अलग अलग, सुख शांति प्रसन्नता आनंद। नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाणे सर्व। एक का नहीं कहा पर ऐसे जो अभी मंत्र पढ़ेंगे, अभी महाराज पढ़ेंगे भी, अभी आरती होगी, सर्वे कृष्ण संतु, उसी श्लोक का अर्थ है जो नानक राम चढ़ी का, उसी का अर्थ है सर्वे कृष्ण संतु। वेद का मंत्र है सर्वे कृष्ण संतु, जितने भी जीव जीवांतर है, एक नहीं, मनुष्य नहीं, 7 अरब जीव, 7 अरब मनुष्य नहीं, जितने जीव जीवांतर, कीड़े मकोड़े सब, 84 लाख योनि में जितने लोग। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, स्वस्ति न पुरखा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये मंत्र यही कह रहा है, सबके घर में सुख हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सबके घर में सुख हो, सबके घर में आनंद हो, सबके घर में प्रसन्नता हो, सबके घर में शांति हो, सबके यहां आनंद ही आनंद हो। इसीलिए वहां पर कहा गया, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, आनंद सुनो बड़ भागियो, सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म। वहां अंतिम इसने पंक्ति कह दी, जो हम लोग कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम, उसी को कहा पार ब्रह्म प्रभु पाया, और कुछ नहीं कहा, कृष्ण पाया, गोविंद पाया, नारायण पाया, गुरु नानक पाया, नहीं, वहां कह पार ब्रह्म प्रभु पाया, सकल मनोरथ। सकल मनोरथ, मनोरथ का समझते हो, मन में जो इच्छा, जो आपके मन में इच्छा है ना, विटामिन में इतना हो जाए, बढ़िया बंगला हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, एक्यूरेट रहे, सब कुछ रहे हमारे पास, सारे ब्रह्मा जी की संपत्ति हमारे पास आ जाए, ब्रह्मांड में जितना सुख है सब हमको मिल जाए, बस यही है। पार ब्रह्म रूप आया, सकल मनोरथ पूरे, उसका तात्पर्य है। तो आज की सभा का थोड़ा सा इसी ही विस्तार देंगे। आइए प्रभु के नाम का स्मरण करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले